सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णा नगर के भी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहाँ मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया। मैं आप लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारे जो स्टेट का SDRF का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 तारीख को 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है, कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ ज़मीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत से लगी है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको रिलीज करेंगे जैसे ही उसके ऑब्जेक्शन हटेंगे, लेकिन उसको हम ज़रूर मदद करने वाले हैं। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स NDRF की यहाँ पर काम में लगी हैं, उसी तरीके से 15 NDRF की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी ITBP की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है, और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज़्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का
हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज जब हम लोग इधर आए हैं तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 200 करोड़ रुपीस रिलीज़ किया है SDRF फंड में, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में 200 करोड़ एडिशनल अभी रिलीज़ किया है। आज संडे है, कल मंडे को हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के में 2700 करोड़ रुपए की स्कीम्स को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है। ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूं ये सब रिलीफ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ दें जो जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब रिलीफ के दृष्टि से दिया गया है। लेकिन इससे अलग हट करके हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी ताकत के साथ भारत सरकार देगी और उसको भी पूरा जिसको कहा जाता है कि रीडू करके उन सारे जो नुकसान हुए हैं उनको हम ओवरकम करेंगे। और उसके लिए भी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक जो स्टेट हाईवे पर प्रेशर आएगा उसके लिए भी, और जो नेशनल हाईवे के लिए भी ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर देंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अंदेशा रहता है कि हर चीज़ में राजनीति होती है। मैं विनम्र सबसे निवेदन करूँगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसलिए हम स्कोर पॉइंट सेटल करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत से इस समय एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से ज़रूरत पड़ेगी, भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की हम आपको गारंटी।